मेरी बात तो 2022 के इलेक्शन में जा रहा है और जाहिर है सबने तैयारी की है और बड़ा मुकाबला है, तो हर साल होता है और कराची में ऐसी जमहूरियत के लिहाज से बड़ा मशहूर इदारा है, यहाँ जमहूरियत है और हर साल इलेक्शन होते हैं और सब लड़ते हैं और जीतने के बाद हम एक हो गए, फिर काम करते हैं प्रेसर के लिए। और अगर मुझे मौका मिला जीत करके मैं आया तो यकीनन मैंने माजी में भी 2003 में भी सेक्रेटरी था, 2004 में भी सेक्रेटरी था, ये सारे माजी में मैंने काम कराए थे। डाइनिंग हॉल बनाया था, कंप्यूटर सेंटर बनाया था, ये आपका वाशरूम बनाए थे उस जमाने में, ये सारी चीज़ें हुई थी उस जमाने, क्योंकि मेरा पुख्ता यकीन है कि आप जब भी जीते उस इदारे के मेंबरान की खिदमत करें। तो मैं यकीनन अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक टीम वर्क के तौर पे इस इदारे की खिदमत करूँगा। और आज के दिन पे रोड रिपोर्टर 72 चैनल जो है उसके कारकुन भी बड़े अच्छे नज़र आए और अब मैं आप उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझसे बात की और मेरा मौका दिया। जो है वो डेमोक्रेट ने हमें नॉमिनेट किया है इलेक्शन के लिए, मुझे नॉमिनेट किया है जनरल सेक्रेटरी के लिए, सेक्रेटरी प्रेस क्लब के लिए और फाजिल भाई को सदर के लिए। आज से एक साल पहले भी हमें हमारे ग्रुप ने मौका दिया था कि हम जाएँ और इंतखाब लड़ें और इंतखाब जीत कर लोगों की खिदमत करें, और एक साल में हमने वो काम किए हैं जो क्लब की तारीख में कभी नहीं हुए। मैं दो तीन कामों को बताना चाहूँगा। एक तो हमने इस साल कैंटीन में एक नए डाइनिंग हॉल का इजाफा किया है। जो पुराना डाइनिंग हॉल था वो बहुत पुराना था, बहुत छोटा हो गया था, वह बैठने की जगह नहीं थी, मेहमान को मुश्किल होती थी, उसके लिए हमने एक बड़ा डाइनिंग हॉल बना दिया नया, जब मेहमान को सर्विस भी अच्छी मिलेगी और इंशाल्लाह जो है वो बाकी उनको बैठने में आसानी होगी। उसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने किया कि यूट्यूबर्स हमारे जो हैं जो मीडिया में हालात खराब हुए उनके पास बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनकी आसाने के लिए हमने क्लब में स्टूडियो बनाया। पाकिस्तान का पहला क्लब है KPC जहाँ पर एक स्टूडियो मौजूद है, यानी मेंबर जो भी साफ भी है जो बेरोजगार है वो अपना चैनल वहाँ बैठ के चला सकता है। उसके अलावा हमने मस्जिद रेनोवेट की, उसके अलावा हमने यहाँ नए वॉशरूम बनवाए, उसके अलावा हमने अपने मेंबरान के तिबी सहूलत के लिए एक अस्पताल है कुतियारा मेमर अस्पताल, उसे मुआहदा किया और वहाँ पर साल का 1 करोड़ रुपये का साफियों का इलाज फ्री होगा। उसके अलावा चूँकि साल हमारी ग्रांट डबल हुई थी तो हमने अपनी ग्रांट को डबल जो हुई है उसमें से 1 करोड़ रुपये रखी है एक एंडोमेंट फंड बनाने के लिए। इस साल इस एंडोमेंट फंड से हम बच्चों की तालीम का खर्चा बाकी मामले चलाएंगे। इससे पहले क्लब में कोई एजुकेशन फंड मौजूद नहीं था, मेहमान के फलाह बहबूद के लिए कोई फंड मौजूद नहीं था। ये पहली दफ़ा हमारी बॉडी ने इनिशिएटिव लिया है कि हम एक फंड बनाने जा रहे हैं, वो फंड मेहमान के और बच्चों के फलाह बहबूद के खर्च होगा। उसके अलावा प्लाटों के बारे में हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने KEE से उसे मुआहदा किया और इस वक्त जो हमारे हाउस बे स्कीम है वहाँ पर इंशाल्लाह कुछ अर्से में बिजली आ जाएगी। उसके अलावा एक बड़ा मसला था 211 लोगों का, 211 मेहमान थे जिनके प्लाट पिछले कई सालों से कुछ मुश्किल की वजह से फंस गए थे, नहीं मिल पा रहे थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 211 प्लाट मेहमान को दिलवा दिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम दोस्तों का और अपने ग्रुप का, दी डेमोक्रेट्स का, कि उन्होंने अगले साल के लिए सदर की हैसियत से मेरा नॉमिनेशन किया। और इस साल हमने जाहिर है बहुत सारे काम हमने क्लब के हवाले से किए, क्लब के अरकान की जो वेलफेयर है उनके हवाले से, तो जो हमारी क्यादत है उन्होंने हम पे एतमाद करते हुए हमें दोबारा अगले इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा है। और मैं समझता हूँ कि पिछले कई बरसों की तरह इस इलेक्शन में भी जो हमारे अरकान हैं वो भरपूर तादाद में न सिर्फ इलेक्शन वाले दिन वोट डालने आएंगे बल्कि दी डेमोक्रेट्स को बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे।